जरूर देखेगी। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी द कश्मीर फाइल चर्चा में बनी हुई है और बहुत ही ज्यादा सराहना मिल रही है, क्या आपने देखा द कश्मीर फाइल? मैं बताऊँ, देखिए मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं आया हूँ, और आज ही शायद मेरी सुबह बात हुई थी किसी से कि आज रात को मैं कश्मीर फाइल्स देखने वाला हूँ। बहुत ही चर्चा में है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी वहीं से आया हूँ, मतलब मैं वहीं पर था 10 दिन पहले, तो अब तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट करूँगा और अब मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा उन जगहों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। इतनी कहानियाँ मैंने सुनी है वहाँ पर। अब मैं मानता हूँ जो कश्मीरी जो हैं वहाँ पर, चाहे वो पंडित हो कश्मीरी हो या कोई नॉर्मल लोकल्स हों, सबकी अपनी अपनी कहानी है, और आज की जो उनकी कहानी है वो पहले की कहानी से थोड़ी अलग है। सबका जो आप देखने का नज़रिया है लाइफ का, वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि सबने जो है, जो हमने हमने देखा जो 90s में हुआ, मतलब आंखें भर आती हैं, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा उसके बारे में तो, लेकिन जब जब मुझे ये कहानी जब मुझे सुनाई गई, जब मुझे नरेट की गई, तो मुझे लगा नहीं यार, इसका हिस्सा बनना चाहिए, और बस दिल से हमने मेहनत की है, और अब मैं कश्मीरी फाइल्स डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी चर्चा में है, और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विवेक सर जिन्होंने फिल्म बनाई है कश्मीरी फाइल्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उन्होंने किस तरह इसे प्रोजेक्ट किया है, शाहनवाज जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने तरीके से प्रोजेक्ट किया है द हिंदू बॉय, तो दोनों बहुत अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के अपने अपने एक नज़रिया है, और दोनों आई थिंक मज़ा आया, आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया है काम करने में, और वहाँ पे यू नो उस कश्मीर की हवा को महसूस किया मैंने, और बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने वहाँ पे। तो जी, जिस तरह से आप भी ऑडियंस को दिखाने वाले हैं कुछ वैसा ही रिलेटेड, जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आप फील करते हैं जब इस तरीके का घटना आप सुनते हैं, तो क्या कुछ आपको फील होता है? देखिए जाहिर सी बात है यार, ऐसा कोई घटना अगर कोई घटी है, और जाहिर सी बात है मतलब दर्दनाक थी वो, कितने ही लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, तो आई थिंक अपने मातृभूमि, अपनी अपनी जगह, अपनी धरती को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर अगर जाना पड़े आपको, तो इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग, तकलीफ़ होती है, और कई घर उजड़ गए, लेकिन हम उसमें नहीं बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसमें बहुत चर्चाएं की हैं, बहुत बातें की हैं। अभी की जो दौर है, अभी का जो दौर है, हम डेफिनेटली चाहते हैं कि देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी हार्मनी, एक एक लोगों के बीच में वो भाईचारा रहे, और मैं क्या कहूँ आपसे यार, मतलब बस यही चाहूँगा यार कि अभी की जो हमारी जो ऑडियंस है, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस है, बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है, सब देखती है, पब्लिक है, सब समझती है, तो आई थिंक लोगों ने कश्मीर फाइल्स को इतना अप्रिसिएशन दिया है, इतनी सराहना मिली है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिल्म अच्छी बनाई है और एक अच्छा मैसेज दिया होगा, तो मुझे वो मैसेज देखना है कि उन्होंने क्या कहा है। जिस तरह से सच्चाई रूबरू दिखाई जा रही है ऑडियंस को, देखिए पहले ऐसी बहुत फिल्में बनी हैं, ठीक है, इसी टॉपिक पर बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से लोगों को बताएं कि ये हुआ था, और जो 90s में हुआ, कुछ 350-400 लोगों के आसपास आई थिंक लोग बेघर हो गए, कईयों की हत्या हो गई, तो दैट वाज ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत ही दर्दनाक और दिल भर, मतलब कहीं ना आपका मन भराता है जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं या देखते हैं, तो जिन पर बीती होगी उन सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का वक्त होता है, और अभी अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने अगर सर ने ये फिल्म बनाई है, आई एम श्योर उन्होंने बहुत रिसर्च की होगी, उन्होंने लोगों से बात की होगी, और कहीं ना कहीं वो भी अपने ही, देखिए एक मेकर जो है वो अपने कन्विक्शन के साथ फिल्म बनाता है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि मैं ये फिल्म बनाऊँ और लोगों को ये बताऊँ अपनी फिल्म के ज़रिए, अब फिल्म के माध्यम से, तो उन्होंने वो बताया है, और डेफिनेटली लोगों को पसंद आई है, तो मतलब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और कुछ अच्छा होगा,
जो लोगों ने फिल्म को थम्स अप दिया है और इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है फिल्म की, तो अगर अगर शायद मैं ये फेस्टिवल फिल्म जो मैंने की है वो नहीं भी करता, फिर भी मैं ये फिल्म ज़रूर देखता। लेकिन अब चूँकि मैंने की है और मैं अभी श्रीनगर में था और मैं उसी मूड से निकला हूँ बाहर कि मैंने भी कश्मीरी पंडित लड़के का मैंने उसकी भूमिका निभाई है, तो मैं अब ज़्यादा कहीं ना कहीं उससे जुड़ पाऊँगा। कोई ऐसी कहानी जो अभी तक नहीं दिखाई गई है और आप लाना चाहते हैं ऑडियंस के सामने? देखिए, ऐसी तो बहुत हज़ार कहानियाँ हैं जो शायद लोग अभी भी देखना चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो बहुत मेकर्स हैं जो ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर वो मेकर्स पे डिपेंड करता है। बट बहुत सारी कहानियाँ हैं यार, बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्याएँ हैं, बहुत सारे जो शायद आपने मैंने हमने अपने जीवन में देखे हों। इतने इवेंट्स हुए हैं, वर्ल्डली इवेंट्स हुए हैं कि जो शायद कहीं ना कहीं लोग उन पे जो है फिल्में बनाएँ और आप तक पहुँचाएँ और हम तक पहुँचाएँ और हम देखें, तो आई एम श्योर लोग काम कर रहे होंगे यार। बहुत सारे लोग कमाल के लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे मेकर्स बैठे हैं। जैसे अभी हाल ही में मैंने गंगूबाई देखी, अगेन इट्स अबाउट गंगूबाई काठियावाड़ी, अबाउट दिस लेडी हु स्टूड अप फॉर ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बहुत ही खूबसूरती, मतलब देखिए मैं तो संजय सर का बहुत बड़ा, मतलब मैं तो उनके 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 काम का दीवाना हूँ और बचपन से देख रहा हूँ संजय सर, और मैं बिल्कुल मतलब मेरे फेवरेट हैं। तो जब भी उनकी कुछ भी उनका आता है, कोई भी सिनेमा हो, कोई भी फिल्म हो उनकी या उनकी डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा देखता हूँ। लेकिन ये फिल्म जो है उन्होंने इतने दिल से बनाई है कि नुएंसेस, डिटेलिंग, आलिया भट्ट ने फैंटास्टिक जॉब किया है। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग टोटली आउटडन हर सेल्फ। जो छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने दिखाई हैं और उन्होंने ब्रॉथल को किस खूबसूरती से दिखाया है, आई मीन आप और शायद शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं और मैं बस चुपचाप देखता रहा पूरी फिल्म। मेरे और देखने के बाद जब मैं निकला हॉल से तो मेरे जहन में बहुत सवाल थे, यू नो कि एक ऐसी हस्ती जिसके बारे में शायद हमने सुना ना हो, उनको लेकर अगर आप उनको पर्दे पे लेकर आएंगे और लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी कहानियाँ, जैसे मैंने हाल ही में शो किया विद्रोही, अगर मैं बात करूँ बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, कितने लोगों ने सुना उनके बारे में, है ना। ये एक अनसंग वॉरियर उड़ीसा के, जिन्होंने पहला जन विद्रोह जिसे हम कहते हैं पीपल्स रिवोल्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने पहले उस रिवोल्ट की बात की अपने पाइकाओं के साथ मिलकर अपने लोगों के साथ। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की कहानियाँ, उनकी उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल्स, उनके उनके उनकी विक्ट्रीज, उनकी डिफीट्स, सब कुछ लोगों के सामने आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आई एम होपिंग कि बहुत जल्द ऐसी बहुत सारी कमाल की कहानियाँ जो हैं लोगों तक आएंगी, लोग देखेंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे। आलिया भट्ट को भी काफ़ी नेगेटिविटी से बोला गया था कि गंगूबाई के रोल में वो फिट नहीं बैठती, हालांकि बहुत ही ज़्यादा सराहना उस फिल्म को मिली, इस बात को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं किसने क्या बोला मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, सबके अपने एक थॉट प्रोसेस होता है। किसी को लगा कि वो फिट नहीं बैठती हैं रोल में, तो ठीक है, उनकी सोच है, सबकी अपनी अपनी होती है थिंकिंग। तो मुझे लगा, हालांकि मैंने भी फिल्म देखने पहले मुझे पता ही था कि सच बताऊँ तो मुझे भी लग नहीं रहा था कि पता नहीं आलिया कैसे करेंगी। ऑब्वियसली शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव टुडे, लेकिन गंगूबाई के रोल में वो कैसे दिखेंगी, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, बोलने का तरीका क्या होगा, उठने का तरीका क्या होगा, किस तरह वो लहजा क्या पकड़ेंगी। लेकिन देखने के बाद मुझे लगा यार नहीं यार, शी डेफिनेटली वर्कड अ लॉट, बहुत मेहनत की है और इमोशनली कितनी वो टूटी होंगी अंदर से। आई थिंक ये एक एक्टर अगर देखता है, कोई भी एक्टर देखेगा तो समझ जाएगा कि ब्रेकडाउन क्या होता है, एक जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है, हम भी सबका एक्टर्स करते हैं तो हमारा ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है फिजिकली, हमारा इमोशनली बहुत वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, फिजिकली बहुत वेयर एंड टेयर होता है, कई बार बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बिकॉज आप थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक वो एक जो प्रॉपर जो एक जो जो प्रोसेस था वो आई एम श्योर आलिया के लिए मस्ट बी एब्सोल्युटली, मैं क्या कहूँ, मतलब इट मस्ट बी लाइक एन आई ओपनर, इट मस्ट बी कितनी इवॉल्व हुई है वो इस फिल्म के बाद मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब माय गॉड, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ बिलीफ, थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ होगा, इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा, गारंटी, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया, फैंटास्टिक। सो आप कहना चाहेंगे कि
आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप कोई बायोपिक करना पसंद करेंगे? या देखिए, मैंने अब तक लाइफ में सिर्फ दो ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे. एक तो महाराणा प्रताप और एक जो दूसरा जो थे वो बख्शी जगबंधु. फिल्मों की अगर बात की, फिल्मों की बात करूँ तो मैं मुझे निदा जी हमेशा बहुत फैसिनेट करते थे. उनके बारे में मैंने पढ़ा, बहुत ही मुझे बहुत एक्साइटेड होता हूँ मैं जब भी उनके बारे में सुनता हूँ. आई थिंक नेताजी एक हैं आई थिंक कहीं ना कहीं. और हिटलर, आई थिंक एडॉल्फ हिटलर, वो एक ऐसे किरदार हैं, एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ जो है बहुत ही इतनी फ्लैम्बॉयंट थी अपने तरीके से. लेकिन वो मैं कहूँ तो वो जाने 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 जाते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से वो थर्ड डिग्री टॉर्चर करते थे लोगों के साथ. लेकिन उसको छोड़ के भी उनकी लाइफ के बहुत सारे अलग पहलू हैं जो मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे और लोग देखें. और आई एम होपिंग कि कभी कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है, ऑडियंस हमेशा निगेटिविटी सबसे पहले ढूंढती है. जैसा कि आपने बोला कि एडॉल्फ हिटलर का आप वो रोल प्ले करना चाहेंगे, ऐसे ही उनको निगेटिव नज़रों से देखा जाता है. क्या कुछ आप दिखाना चाहेंगे कि अगर ऐसा, क्या कुछ उस बात को लेकर डर होता है कि नहीं होता है? देखिए, डर वर तो ऐसे कुछ नहीं है. जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक इंसान जो महान इंसान हो, अब चाहे वो हम महात्मा गांधी ले लें, चाहे नेताजी ले लें, चाहे हम वो अडॉल्फ हिटलर ले लें, सबके अपने अपने अपनी ज़िंदगी की जर्नी रही है. सबने अपने अपने स्ट्रगल रहे हैं सबके. किसी ने टॉर्चर किया, किसी ने लोगों को संभाला, किसी ने लोगों की सहायता की, किसी ने लोगों में वो स्वतंत्रता की आग लगाई, आग जगाई कह सकता हूँ. सब अलग रहे हैं अपने अपने तरीके से. एंड आई थिंक इट्स नॉट राइट. आई थिंक सबका देख अपना अपना. देखिए, ये लोग इतने महान क्यों हैं, क्योंकि सब लोग इनके अपनी जो पर्सनल जो इनके कैरेक्टर ट्रेट्स थे और उस किस तरह वो उभर कर आए सबके सामने पूरी दुनिया. दे आर लाइक वर्ल्डली फिगर्स, मतलब हम बात करें मतलब लाइक लेजेंड्स. और इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी बहुत लंबी कहानी होती है. ये हम सिर्फ देखते हैं कि हमारे बापू हो गए या हमारे जैसे नेताजी हो गए, या चंद्रशेखर आज़ाद, या मंगल पांडे, या फिर अगर मैं बात करूँ तो हट के आऊँ तो हमारे अमित जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान, ये सब आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, इनकी बहुत लंबी जर्नी रही है ना. तो मैं सिर्फ अडॉल्फ हिटलर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे उनकी कहानी फैसिनेटिंग लगी. ठीक है, उनका एक जो था पहलू, एक जो फेस था कि बहुत ही, मतलब हिटलर क्यों बोलते हैं कि अब बोलते हैं, अब किसी बोलते हैं यार तुम हिटलर मत बन जाओ, है ना. हम बोलते हैं ना कई बार कि मेरे प्रिंसिपल जो है स्कूल में मेरे हिट, वो तो एकदम हिटलर थे यार, बहुत मारते थे मुझे यार, बहुत तंग करते थे. लेकिन उसके पहले की जो उनकी लाइफ थी, वो हिटलर क्यों बने, कैसे बने, वो बहुत फैसिनेटिंग है. कभी उसके बारे में आराम से बात करें. बहुत आई एम श्योर, मतलब अगर कहीं मौका मिला तो बहुत सारे फिगर्स हैं यार, इतने फिगर्स हैं, अगर हम बैठेंगे पूरा दिन निकल जाएगा. जिसके मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली. होली आने वाली है, होली को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बार जो है पिछले साल की तरह होली जो है अब जो है पैंडेमिक फ्री होली होगी, कोविड फ्री होली होगी. तो मैं चाहूँगा कि वो होली जो है वो मैं ज़्यादा होली खेलता नहीं हूँ, क्योंकि अगले दिन नॉर्मली हमें कुछ ना कुछ शूट रहती है या कुछ ट्रैवलिंग होती है. बट मैं कुछ, मुझे गुलाल बहुत पसंद है, तो गुलाल लेके लोगों पे लगाना. मेरे मतलब रिप्सी हो गई, हमें कुछ फ्रेंड्स हो गए, लियो है घर पे, तो उसके बाद हम लोग सब लंच पे जाते हैं दिन में. और हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है होली के दिन, वो है रबड़ी और जलेबी, जो पिछले कितने ही सालों से वो एक तरह से एक ट्रेडिशन रहा है मेरा. मैं हमेशा वो हर साल वो खाता हूँ एक दिन. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और विशिंग ऑल एवरीबडी, ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी पैंडेमिक फ्री होली. प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव वाटर. होली खेलिए, होली खेलिए, रंगों से खेलिए, और ऑर्गेनिक कलर्स हो तो बेटर है. लेकिन उस रंग को जो अपने अपनी ज़िंदगी में भरी, वो बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट प्ले सेफ होली, इन्जॉय होली, एंड विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी होली. थैंक यू. कलर को किस तरह से आप डिफाइन करना चाहेंगे अपने लाइफ? यार, हम सबकी ज़िंदगी में कलर की बहुत अहमियत है.
मेरी लाइफ में आई थिंक ब्लैक बहुत ज़्यादा है, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, मुझे वाइट बहुत पसंद है, कई बार मैं लाल भी पहन लेता हूँ, लेकिन सबके अपने अपने डेफिनेशन होते हैं कलर्स के। मेरी लाइफ में जैसे मैंने कहा, मेरे लिए कलर ब्लैक है और वाइट है, तो आई थिंक हाँ इट्स ईदर ब्लैक और वाइट, कई बार थोड़ा ग्रे भी हो जाता है, बट आई थिंक मुझे 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 देखिए कलर्स तो हम सबको पसंद है यार, कलर्स नहीं हो तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी और बहुत ही नीरस हो जाएगी, तो आई थिंक लाइफ में कलर्स की किसी भी तरह से कलर्स होने चाहिए लाइफ में, कुड बी रिलेशनशिप्स में, कुड बी काम में, पर्सनल प्रोफेशनल, आप जिस तरह रंग भरेंगे आपकी लाइफ वैसे ही रंगीन होगी। अगर आप बहुत रंग भरेंगे तो लाइफ बहुत कलरफुल होगी, अगर आप थोड़ा रंग भरेंगे तो लाइफ थोड़ी कलरफुल होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।